I come in, sir? Good morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. Thank you, sir. Kamna. Yes, sir. कब से काम कर रही हैं आप साइबर पीएस में? सर रिसेंटली 9 मई को सर बिहार में 44 साइबर पुलिस थानों का उद्घाटन हुआ था, तो सर उसी टाइम से मेरी पोस्टिंग है वहाँ पर। अच्छा, सिलेक्शन कब हुआ आपका, इसी वर्ष? नो सर, मैं 2019 से सर सब इंस्पेक्टर के पद पे कार्यरत। अच्छा अच्छा अच्छा, साइबर में अभी हुआ है? साइबर में सर अभी हुआ है। अच्छा, कोई स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है उसके लिए या? नहीं सर, वैसे अभी स्पेशल ट्रेनिंग तो मिली नहीं है, बट ये बात है कि आगे ट्रेंड किया जाएगा। तो इन जनरल वहाँ ट्रेनिंग सुविधा है साइबर पुलिस स्टेशन की? यस सर, अभी जैसे कि साइबर में जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी नहीं करते, वो इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी करते हैं। तो अभी फर्स्ट हाफ में, मतलब कि पहले उन लोगों को सर ट्रेनिंग दी जा रही है। अच्छा, इंस्पेक्टर सर लोगों को, उसके बाद सर हम लोग जो वहाँ पे हैं, क्योंकि जो भी केस आता है या जो भी प्रॉब्लम आता है तो उसको प्राथमिक तौर पे सर हम लोग डील करते हैं, तो उसके बाद सर हम लोगों की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये तो लंबा समय होगा? ये सर थोड़ा समय लगेगा सर। तो तब तक की आपके पास कुछ खास काम नहीं होगा? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। जैसे सबसे पहले तो सर सबसे बड़ा जो भी साइबर संबंधित जो इशू आता है, जैसे महिलाओं से रिलेटेड उनका फोटो वीडियोज वायरल होना या कुछ ऐसा, तो सर इसमें वो जब थाने में आती हैं तो वो ये अपेक्षा करती हैं कि मेरे सामने कोई महिला पदाधिकारी या कोई मिले जिससे कि हम अपनी बातों को अच्छे से रख सकें। और तो सर इसमें सर इम्पोर्टेंट एथिकल हैकिंग, सुना है शब्द? यस सर। क्या होती है सर एथिकल हैकिंग? हुआ कि मतलब जब किसी भी साइट को या किसी भी चीज़ की जानकारी किसी अच्छे पर्पज से ली जाए, जैसे कि किसी भी साइट को जब हैक किया जाता है, जैसे अगर हम लोग के अगर पुलिस विभाग की तरफ से ही किसी ऐसे साइट की जानकारी ली जाए जो कि ऐसे वो प्रोवाइड खुद से नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग किसी अदर वे में उसकी जानकारी लेते हैं, लेकिन पर्पस सर सही है, और उसी को एथिकल हैकिंग करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एंड और मीन्स दोनों एथिकल होने चाहिए। यस सर। ये तो मीन्स तो अनएथिकल है, यू आर डूइंग हैकिंग। यस सर, लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी चीज से वो सर ये होता है, ये लोगों की भलाई के लिए ही होता है सर। वो तो ठीक है। यस सर। तो जो चंबल के डाकू हुआ करते थे उनके बारे में तो कहानियां थी कि गरीबों में बांट देना है अमीरों को लूट कर। यस सर। विल यू जस्टिफाई दैट? नो सर, वो अलग चीज है सर, और ये अलग है, दोनों में सर डिफरेंसेस है। मतलब हैकिंग कर सकते हैं मगर पर्पस अच्छा हो तो? नहीं सर, वो सिचुएशन बेस्ड होता है सर। ठीक है। कामना, आप ये बताएं कि आपके साइबर पुलिस स्टेशन में क्या क्या काम होता है? ये सर, साइबर पुलिस स्टेशन में सर अभी जैसे कि सर अगर कंपेयर किया जाए तो पहले लूट डकैती ये सब जैसे फिजिकल तौर पे होता था सर, अब एक मीडियम कह सकते हैं कि वो अब ऑनलाइन हो रहा है सर, वो एक कह सकते। तो सारे FIR जो हैं वो ऑनलाइन हो रहा है क्या? नहीं सर, सारा FIR ऑनलाइन अभी तो नहीं हो रहा, जैसे जो लोग वहाँ के लोकल लोग रहते हैं तो वो लोग खुद ही आ जाते हैं सर, वो लोग आवेदन लेके। तो कोई अगर FIR करना चाहता है ऑनलाइन तो ये सुविधा है क्या उपलब्ध? यस सर। सब सारे केसेस में? यस सर, सारे केसेस में सर। अगर डकैती हो रही है तो उसमें भी ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं, FIR दे सकते हैं? ये सर, उसमें भी ऑनलाइन किया जा सकता है सर, लेकिन चूंकि डकैती ऐसा क्राइम है सर वो किसी थाना क्षेत्र के भीतर ही होगा, और जिस थाना क्षेत्र मतलब जहां पे भी डकैती हुआ। जैसे आप वो क्लैरिफाई करो, दिल्ली पुलिस सिर्फ दो केस में अप्लाई मतलब अलाउ करती है EFIR। अगर मोटर थेफ्ट हुआ है और एक्सीडेंट में वो शायद अलाउ कर देती है, वो आप EFIR दे सकते हैं, बाकी आपको FIR जाके फिजिकली देना पड़ता। तो इस तरह का कोई प्रोविजन है क्या? क्या है या सारे केस EFIR दे सकते हैं? सर डकैती से रिलेटेड केस में सर तो फिजिकल FIR ही अभी तक मेरे समझ से। तो जो FIR दी जाती है, मान लीजिए किसी ने ऑनलाइन FIR दिया है, फिर उसको क्या, फिर उसको साइन करना पड़ता है, क्या करना होता है? नहीं सर, वो जो ऑनलाइन FIR होता है उसको हम लोग सर उसको डाउनलोड करके निकाल के और उसके बेसिस पे सर हम लोग FIR दर्ज कर देते हैं। उस FIR को साइन कौन करता है? उस FIR को साइन रहता है सर।
वो मतलब स्कैंड कॉपी ओरिजिनल ओरिजिनल साइन रहता है कि नहीं किसी का? सर नहीं सर, वो जो वो साइन करके ओरिजिनल साइन करके उसको स्कैन करके और ऑनलाइन उसको अपलोड करके कोर्ट तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे सर। कोर्ट जो है ना आपको ओरिजिनल साइन मांगती है। यस सर। इसीलिए जहाँ पे भी अच्छा ये बताएं कि आपके यहाँ सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट चल रहा है? यस सर। क्या उसमें क्या हो रहा है सर? सीसीटीएनएस में मेनली जो भी जैसे स्टेशन डायरी ये सब जो भी होता है वो सब डेली अपडेट होता है। और उसके अलावा सर सीसीटीएनएस में जैसे वही सर ऑनलाइन एफआईआर वगैरह जो भी आता है या जो भी ऑनलाइन कंप्लेन वगैरह आता है तो वो सबको सर। ये जो थाने का जियो फेंसिंग करते हैं वो क्या है? जियो फेंसिंग क्या है? जियो फेंसिंग हुआ सर जो वो थाना क्षेत्र निर्धारित करना कि ये एरिया में अगर कोई भी क्राइम घटित होता है तो उससे संबंधित एफआईआर है वो इस थाने में दर्ज होगा सर। आपके आपके यहाँ बिहार में जीरो एफआईआर क्या प्रोविजन है? यस सर। कैसे कब करते हैं जीरो एफआईआर? सर जीरो एफआईआर तब होता है जैसे अगर हम किसी दूसरे थाना क्षेत्र में हैं और वहाँ पे वैसे कोई घटना घटित हो गई है जिस पे एफआईआर होना तत्काल जरूरी है तो वहाँ पे बिना एफआईआर नंबर डाले एफआईआर कर सकते हैं। उसके बाद फिर संबंधित थाने में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है फिर वहाँ पे। तो फिर उसका कोई टाइम लिमिट है कि कितने दिन में होगा ट्रांसफर? सर सॉरी सर एग्जैक्ट तो याद नहीं है लेकिन लेकिन तुरंत ही हो जाता है। कामना आप नवादा डिस्ट्रिक्ट से हैं? यस सर। वहाँ समय गुजारा है आपने नवादा में या बाहर कहीं पढ़ी हैं? यस सर स्टार्ट मतलब 2003-04 तक मैं नवादा में रही हूँ सर। उसके बाद फिर चूंकि पापा मेरे बिजनेस करते किस थे। किस क्लास तक आप वहाँ रही हैं? किस क्लास क्या पढ़ाई का कौन सा? क्लास 3 तक सर। अच्छा तब तो बहुत कम रही हैं वहाँ। यस सर। अच्छा जन सेवा आपका हॉबी है? यस सर। तो और कुछ बताएं जन सेवा मतलब किस किस्म का जन सेवा आप करना चाहते हैं? सर मुझे लोगों से मिलना उनसे बातें करना उनको क्या प्रॉब्लम है कहाँ और कैसे मुझे लगता है सर कि मैं क्या करूं कि उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने में मेरा योगदान हो सके सर। अच्छा तो सर मेरा ये जॉब भी उसी इस वजह से मेरा सर जॉब करना इस तरह के जॉब में मेरा इंटरेस्ट हमेशा से रहा। आपको ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति को आज के युग में सुन लेना अपना अटेंशन भी दे देना ये अपने आप में बहुत बड़ा जन कार्य है? सर बहुत बड़ा जानकारी तो नहीं कह सकते सर लेकिन लेकिन सुनना चूंकि लोग व्यस्त हैं सर आज के डेट में सभी के पास अपने अपने बहुत सारे कार्य हैं तो लोग व्यस्त रहते हैं लेकिन बोलते तो हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना है व्यस्त कहाँ है? नहीं सर अनएम्प्लॉयमेंट होने का मतलब ये नहीं एम्प्लॉयमेंट खोजने में व्यस्त हैं सर जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं। ठीक है वेरी विटी आंसर वंडरफुल। मोटे तौर पर आप ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इजराइल पैलेस्टीन का यस सर उसके बारे में कुछ उसको फॉलो कर रही हैं? यस सर न्यूज में तो सर अभी वो चल रहा है उसे तो ये कहाँ जाता दिखता है आपको ये? सर इस पे कोई एक तरह से सर राय देना तो मतलब मेरे समझ से नहीं सही है सर। ये दोनों जब कोई दो देश का या कहीं का भी बाउंड्री इशू या कुछ भी होता है सर तो दोनों का अपना अपना पक्ष होता है और दोनों अपने पक्ष पे सही होते हैं सर। वो डिपेंड करता है अभी जैसे इजराइल अगर हमास की बात की जाए तो हमास के द्वारा पहले आक्रमण किया गया तो सर यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इजराइल किसी हद तक सर सही है। अच्छा और अगर आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट छोड़ दीजिए बिहार इन जनरल yes, उसके लिए अगर कुछ वहाँ की जो बदहाली है उसको ओवरकम करने के लिए दो या तीन स्टेप्स आपको सुझाने हैं तो वो क्या होंगे? सर अगर मुझे ऐसा मिलता मौका मिलता है तो मैं सबसे पहले सर वहाँ के एजुकेशन पे काम करूँगी सर। ये सेक्टर्स आप बता रही हैं मैं कह रहा हूँ स्टेप। यस सर। सुधारना है तो उसके लिए 1 2 3 क्या करें? 1 2 3 4 सीक्वेंशियली आप बताएं। यस सर सबसे पहले तो सर मैं जो एजुकेशन दिया जा रहा है वो क्वालिटी एजुकेशन देने पे सर okay. जैसे कि हाँ स्कूल अगर है तो उसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा हो
स्कूल ना सिर्फ आए बल्कि वो पढ़ने में सर इंटरेस्ट लें, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना और वो आउटकम निकले ऐसा। वेरी गुड। दूसरा सर मैं एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड काम करूंगी, जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड में जैसे वहाँ पे जो संभावनाएं हैं जैसे फूड प्रोसेसिंग और इंडस्ट्री तो बहुत ज़्यादा नहीं है सर, लेकिन अगर अगर चाहें तो जैसे कि इथेनॉल से संबंधित या इस तरह का है तो सर वो सब डेवलप करूँगी सर। और तीसरा सर एक अवेयरनेस का काम मैं करूँगी, अवेयरनेस का काम एजुकेट कर रही हैं, स्कूलिंग अच्छा होगा तो अवेयर तो हो ही जाएं। ये सर बहुत सर अभी भी अवेयरनेस मीन सर अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जो एजुकेट हैं लेकिन सर फिर भी उनको अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है और ये महिलाओं में ज्यादा है सर। किशोर का नाम सुना है? Who is प्रशांत किशोर? सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा कामना एक चीज और अंत में बता दीजिए कि अभी आप इजराइल फिलिस्तीन वाली बात कर रही थी। यस सर। दो छोटे छोटे प्रश्न हैं। जैसे कहा कि अगर हमास ने पहली बार हमला किया पहले यस सर तो इजराइल कुछ हद तक ठीक है यस सर अपने एक्शन में यस सर कैन बी जस्टिफाई अ वॉर? नो सर। सर अभी कुछ दिन पहले जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी भी जब रूस और यूक्रेन युद्ध हो रहा था तो उनके द्वारा एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया गया था कि दिस इज़ नॉट द एरा ऑफ वार, ये वॉर का युग नहीं है। लेकिन सर कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है लेकिन सर इस वॉर के बारे में उन्होंने क्या कहा? सर इस वॉर में तो सर इंडिया स्टैंड है इसराइल के तरफ से सर, हम लोग उसके साथ है सर। अभी जो भी अगर कोई कंट्री किसी का साइड लेता है सर तो उसमें सबसे जो मेन होता है वो उसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है। अगर मेरा इंटरेस्ट किसी कंट्री के साथ जुड़ रहा है जिससे कि वो लग रहा है कि इन फ्यूचर मुझे ज़्यादा फायदा है तो सर अभी जैसा चल रहा है वर्ल्ड सिनेरियो तो उसमें वो कंट्री उसका सपोर्ट करता है। जैसे कि रसिया यूक्रेन में अगर देखा जाए सर तो रसिया के द्वारा तो पहले आक्रमण किया गया था यूक्रेन पे लेकिन फिर भी इंडिया किसी भी तरह से स्टैंड लेने से वो डिनाई कर दिया कि ना हम इधर है ना उधर है क्योंकि उसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है सर। तो अभी के टाइम पे अगर कल को इंडिया या चाइना में भी युद्ध हो जाता है तो सर वैसे सिचुएशन में तो हम तो युद्ध करेंगे ना तो उसको जस्टिफाई करेंगे। यस सर वो होगा ही सर। कोई बात ठीक है। ये कामना एक चीज और जैसे आपने कहा कि दूसरों का दुख सुनना मतलब बहुत अच्छा लगता है आप सुध लेती हैं तो मेरा तो बड़ा डिप्रेसिंग होता होगा क्योंकि दुख इतना है संसार में। भगवान बुद्ध इसी कारण से छोड़ के चले गए थे सर। वो दुख नहीं सर वो प्रॉब्लम है सर। प्रॉब्लम सर अगर किसी चीज में ये नहीं पता होगा कि प्रॉब्लम क्या है सर तो उसका सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता है। मतलब बोधिसत्व की ओर तो आप नहीं बढ़ना चाहते? नो सर अभी तो। ओके ओके ठीक है कामना थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। पकड़ ली नहीं कमिंग सर। थैंक यू सर। ओवरऑल वेरी गुड। थैंक यू सर। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। एक आंसर तो बहुत अच्छा दिया। रोजगार खोजने में व्यस्त हैं। सही बात। इट्स वेरी ट्रू सर। ये सर वो जो देखती हूँ सर वही चीज सच्चाई है। साइबर क्राइम पर हम लोगों ने बहुत नहीं पूछा है। यस है ना। लेकिन जैसे बिहार में एजुकेशन कम है, टेक्नोलॉजी इनपुट्स कम है, फिर भी साइबर क्राइम में बहुत आगे है। यस सर। तो उसकी वजह क्या है और क्या स्पेसिफिक सरकार ने कुछ किया है अपार्ट फ्रॉम साइबर पीएस? यस सर। यस सर। वो तो एक स्ट्रक्चरल चेंज है कि उस पर थोड़ी सी तैयारी चाहिए। यस सर। वो चीज थोड़ा डिटेल से ही होगा। बाकी तो थोड़ी सी इकोनॉमिक्स पर देख लेना अगर इकोनॉमिक्स आउट ऑफ टच। थोड़ा सा मेरा वो पोर्शन सर मतलब कि जॉब में रहने की वजह से थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में थ्योरीज की मुझे नहीं लगता कैसी कोई बहुत जरूरत है। एक जनरल जो प्रॉब्लम बिहार की इकोनॉमिक्स का है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उस पर रोड मैप क्या हो सकता है? यस सर। है ना, जैसे सर ने पूछा ना कि स्टेप्स क्या हो सकते हैं। यस सर। उसी तरह की कुछ मेरे ख्याल से। बाकी तो ओवरऑल यू आर वेरी फाइन। बहुत अच्छा था। वी लव्ड दिस इंटरेक्शन। आप चीयरफुल थी, रिलैक्स्ड थी, कभी वो टेंशन या स्ट्रेस वाला कभी फीलिंग आपने नहीं दिया। सॉरी सर, थाना में रहते इतना टेंशन रहता है। ये आउट ही हो रहे थे। यस सर। किस बैच की हो तुम? सर 2018 बैच, 19 में सर ज्वाइनिंग हुआ था। अच्छा
2018 उसके बाद भी एग्जाम हुआ है सही का? यस सर, उसके बाद भी दो बैच आ चुके हैं सर। दो बैच है, लेकिन ये ई गवर्नेंस जो है ना पुलिस में, यस सर, वो थोड़ा आप देख लें कि क्या है, हमें नहीं पता है बिहार पुलिस में क्या है। और जो साइबर क्राइम के बारे में भी जो है उसके बारे में देख, कभी कभी साइबर क्राइम जो है बिहार में आपने इन्वेस्टिगेट किया है? Yes, मतलब इंस्पेक्टर कर रहे हैं, yes, sir, yes, sir. उसमें क्या हुआ फाइनल? yeah. क्यों, मतलब क्या प्रॉब्लम है सर? साइबर क्राइम वहाँ पे जैसे दो तीन तरह का केसेस जो सब, और सर जो सबसे ज्यादा है एक नहीं, तो फाइनेंशियल है सर, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल। जैसे अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो सबसे पहले अगर कोई भी आता है तो प्राइमरी हम लोग उनको कहते हैं कि आप 1930 पे या 1552-60 पे कॉल करिए, ये ऐसा नंबर है सर। हाँ, इन्वेस्टिगेशन में मिलता क्या है? इन्वेस्टिगेशन में सर होता क्या है कि हम लोग बैंक को ईमेल करते हैं, जैसे उनका पैसा कहीं पे ट्रांसफर हुआ तो वो जिस भी बैंक में गया होगा, जिस भी अकाउंट में गया होगा, हम लोग उस बैंक को, उनके बैंक स्टेटमेंट को लेके फिर उस बैंक को हम लोग ईमेल करते हैं। उस ईमेल के थ्रू फिर उस बैंक होल्डर का जो है वो डिटेल मंगवाते हैं, KYC मंगवाते हैं। तो KYC आने से सर ये पता चल जाता है कि ये फ्रॉड का पैसा किसके अकाउंट में गया है, ऐसा तो है, वो नाम पता चल जाता है। हम लोगों ने बहुत सारे केस जब आसाम पुलिस में थे इन्वेस्टिगेट किया, झारखंड तक पहुंचे, औरंगाबाद पहुंचे, वहां पे डेड एंड था, वो आदमी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। Yes, sir, ये प्रॉब्लम है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। yes, जो बैंक जो कहती है KYC norms, वो KYC norms फॉलो नहीं किया गया। yes, वो सारे जो फेक अकाउंट में जा रहे हैं जिसका कौन मालिक है कोई नहीं जानता सर। और एक प्रॉब्लम है सर अभी, मतलब नहीं आप देख लें, आप तो पुलिस में है, वहाँ जाके कर ले, हो सकता है इस पर आपको सवाल पूछा जाए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।